हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। मैं आपकी टीचर मिसेस टीना निम्बाले एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट जनरल साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 6, उसका चैप्टर नंबर 15, फन विद मैग्नेट्स। देखिए यहाँ पे फिगर 15.1 में देखिए कि पिन्स इन अ पिन होल्डर डू नॉट फॉल इवन वेन इट इज हेल्ड अपसाइड डाउन। जब भी ये हमने इस डिब्बे में देखिए यहाँ पे पिन्स भरी हुई है, जब भी हम इसको उल्टा करते हैं हेल्ड अपसाइड इस डिब्बे को, छोटे डिब्बे को पिन होल्डर के, तो क्या होता है, ये जो पिन्स होती है वो नीचे नहीं गिरती सारी की सारी। व्हाई इज दिस सो, ये क्यों होता है। एंड सेकंड, व्हाइल वी आर शटिंग द डोर ऑफ अ फ्रिज वी फाइंड दैट इट क्लोजेस ऑटोमेटिकली फ्रॉम अ सर्टन डिस्टेंस एंड डज नॉट ओपन अनलेस पुल्ड अगेन। व्हाई इज दिस सो। देखिए अगर हम फ्रिज के दरवाजे को भी बंद करना चाहते हैं तो जब भी हम उसको बंद करते हैं तो बंद करने से पहले ही ये ऑटोमेटिकली ही थोड़ा सा उसके पास जाने से ही वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अ मैग्नेट इज यूज्ड इन दिस गैजेट्स, अ मैग्नेट इज फिटेड इन द कैप ऑफ अ पिन होल्डर एंड इन द डोर ऑफ अ फ्रिज। बिकॉज देखिए वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेट फिटेड होता है इन द कैप ऑफ अ पिन होल्डर एंड इन द डोर ऑफ अ फ्रिज। सो आयन ऑब्जेक्ट स्टिक टू अ मैग्नेट, जो भी कोई आयन ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मैग्नेट को स्टिक होते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज अ मैग्नेट। द मटेरियल टू विच ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम आयन, निकेल, कोबाल्ट एक्सेट्रा गेट अट्रैक्टेड इज कॉल्ड अ मैग्नेट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। जैसे कि जो भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए होते हैं किससे, आयन, निकेल और कोबाल्ट से, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं एक मटेरियल की ओर, उस मटेरियल को हम मैग्नेट कहते हैं। और जो उसकी प्रॉपर्टी है ये अट्रैक्शन की टुवर्ड्स दैट मटेरियल, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ओके, नाउ लेट्स ट्राई दिस। देखो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है, कौन सा ये देखेंगे आप। आपको लेबोरेटरी में से एक मैग्नेट को लेना है और उसको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के पास लाना है, जैसे कि विच ऑफ देम स्टिक टू द मैग्नेट। जैसे कि एक मैग्नेट आपको लेना है और आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स की ओर उसको लेकर जाना है कि जो ऑब्जेक्ट उसको स्टिक हो सके। व्हाट मटेरियल इज ईच ऑफ देम मेड ऑफ, ऑब्जर्व दीज थिंग्स केयरफुली। क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स इंटू टू ग्रुप्स, दोज विच स्टिक टू द मैग्नेट एंड दोज विच डू नॉट। और आपको ये क्लासिफाई करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट मैग्नेट की ओर खींचे चले आते हैं और कौन से नहीं, इसका आपको क्लासिफिकेशन करना है। देन सेकंड, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड, पीसेस ऑफ पेपर, सॉ डस्ट, आयन फिलिंग्स एंड पिंस इन अ सॉसर एंड पास अ मैग्नेट अराउंड द मिक्सचर, व्हाट डू यू सी। देखिए ये सारे जो अभी मैंने जिनके नाम लिए, जैसे कि सैंड, पीसेस ऑफ पेपर, सॉ डस्ट, आयन फिलिंग्स एंड पिंस, एक सॉसर में हम उसको सारे मिक्स करके रखते हैं और उसके पास हम मैग्नेट को लेके जाते हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा, तो आपको ये दिखाई देगा कि सैंड, पीसेस ऑफ पेपर, सॉडस्ट, ये मैग्नेट की ओर नहीं खींचे जाते, लेकिन आयन फिलिंग जो होती है एंड पिंस, जो भी पिंस मटेरियल, वो पिंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है विच इज मेड अप ऑफ आयन। ओके, सो दीज टू ऑब्जेक्ट्स, कौन से, आयन फिलिंग्स एंड सॉसर, गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट्स। सो द मटेरियल्स दैट स्टिक टू अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, व्हाइल दोज डू नॉट स्टिक टू अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। द मेटल्स कौन कौन से होते हैं, आयन, कोबाल्ट, निकेल आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखो यहाँ पे ये स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ मैग्नेस, ये आपको पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ ही जाएगा कि मैग्नेट का नाम कैसे आया है। ये एक कथा है एक इंसान की, मैग्नेस नाम है उसका, तो ये आपको पढ़कर भी समझ में आ जाएगा। देखो
It was known quite long ago to the people in China and Europe that a piece of magnetite hung freely, always settled in the north-south direction. These rocks then came to be used for finding the directions while traveling through unknown regions. That is why they are also called adostones, yani ki leading stones. This led to the invention of the mariner's compass. जैसे कि देखो, पुराने जमाने में चाइना और यूरोप के लोग क्या करते थे, एक पीस लेते थे मैग्नेटाइट का और उसको फ्रीली ही हंग करते थे, यानी कि उसको ऐसे ही हंग करके, यानी कि उसको ऐसे ही लटका देते थे फ्रीली। तो वो कहाँ पे सेटल होता था? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ओके। और ये जो मैग्नेटाइट नामक का रॉक है, देन केम टू बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शंस व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू अननोन रीजंस। और इसका यूज हम कहाँ पे करते थे? जब भी हम किसी अननोन जगह में जाते थे, अननोन, तो क्या होता है, हमें दिशा फाइंड आउट नहीं होती है, डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं होती है, तो उस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम इस रॉक का यूज करते थे। उसका नाम था मैग्नेटाइट, एंड दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एडोस्टोन्स, यानी कि लीडिंग स्टोन। दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द मरीनर्स कंपास। अब हम देखेंगे मैग्नेटिज्म। व्हेन अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स इन प्लेसेस लाइक फैक्ट्रीज, पोर्ट्स, गार्बेज डिपोट्स। लार्ज ऑब्जेक्ट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर दिस पर्पज। क्रेन्स विथ मैग्नेट्स आर यूज, वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। दिस शोज दैट मैग्नेटिज्म इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। देखिए, मैग्नेटिज्म ये एक काइंड ऑफ एनर्जी है। क्यों होती है ये एनर्जी? क्योंकि जब मैग्नेट किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो थोड़े से अंतर में उसके डिस्प्लेस उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ ही जाता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स इन द मैग्नेट। मैग्नेट में जो भी मैग्नेटिक फोर्स होता है, उसके वजह से जो भी ऑब्जेक्ट उसके पास अट्रैक्ट हो रहा है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो जाता है। सो वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। दिस शोज दैट मैग्नेटिज्म इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैग्नेट। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट देखिए, अ मैग्नेट ऑलवेज सेटल्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। जैसे कि द एंड ऑफ अ मैग्नेट दैट पॉइंट्स टू द नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, व्हाइल द एंड दैट पॉइंट्स टू द साउथ इज कॉल्ड द साउथ पोल। द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय N एंड द साउथ पोल बाय S। अब देखिए, सेकंड, प्लेस सम आयन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड पास अ बार मैग्नेट ओवर देम। पिक अप द बार मैग्नेट बाय होल्डिंग इट इन द सेंटर। व्हाट डू यू सी? देखिए, आयन फिलिंग्स, अब अगर आपने एक शीट ऑफ पेपर, यानी कि पेपर की शीट पर आपने आयन फिलिंग्स को फैला दिया हो और उसके पास अगर आप मैग्नेट लेकर जाएंगे, तो क्या होगा? आयन फिलिंग्स है वो तो बार मैग्नेट को चिपक जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है? पिक अप द बार मैग्नेट बाय होल्डिंग इट इन द सेंटर, और आपको उसको सेंटर में पकड़ना है। किसको? बार मैग्नेट को। तो आपको क्या दिखाई देगा? टू विच पार्ट ऑफ द मैग्नेट डू मोस्ट ऑफ द आयन फिलिंग स्टिक्स, ऑन विच पार्ट डू वी सी फ्यूअर फिलिंग। What can we conclude from this? देखिए, जैसे कि हमें ये दिखाई देगा कि जो आयन फिलिंग्स होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, यानी कि उसका नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं वो उस दोनों जगह पर ही वो चिपक जाती है, ना कि सेंटर में चिपकते हैं। ओके, वो सेंटर में किसी भी जगह पर, वो मैग्नेट के किसी भी जगह पर वो नहीं चिपकते, वो सिर्फ चिपकते हैं तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही चिपकते हैं। ओके, so the magnetic force is concentrated at the two ends or poles of a magnet. तो magnetic force कहाँ पर concentrated होता है? At the two ends or poles of a magnet. आपको एक यहाँ पे simple experiment करना है कि आपको एक बार magnet that can be cut with scissors or a knife, आपको एक बार magnet लेना है जिसे आप cut कर सकते हैं with the scissors or a knife, knife से भी। Take iron fillings on a sheet of paper and place the magnet on it. आपको फिर से iron fillings को paper पर रखना है और उसके पास magnet को लेके जाना है। Most of the iron fillings will be seen to stick to its poles. आपको ये दिखाई देगा कि कट जाने पर भी
मैग्नेट आपने कट किया है, फिर भी आपने अगर सेंटर में उसको, सेंटर में से उसको कट किया है, तो जो भी आयन फिलिंग्स है वो फिर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस दोनों दिशा में ही अट्रैक्ट हो जाएगा आयन फिलिंग्स, और इसके वजह से वो इन दोनों दिशा, सॉरी, इन दोनों पोल में ही वो स्टिक हो गए, ओके। और फिर से आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से आपको ये कट करना है, फिर से कट करना है, और फिर से यही तरीका आपको दोहराना है। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी आप कितने बार भी उस मैग्नेट को अगर कट करते हैं, तो फिर से उसके कट जाने पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएंगे, जिसकी वजह से जो भी आयन फिलिंग्स आपने रखी है पेपर पर, वो कहाँ पर अट्रैक्ट होगी? एट द टू एंड्स ऑफ दिस मैग्नेट। जो भी कोई कटा हुआ मैग्नेट हो, उसके दोनों एंड में ही ये फिलिंग्स है वो चिपक जाएगी, ओके। इफ अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स आर फॉर्म्ड। आप इसको अगर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मैग्नेट को, तो उसके टू इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स फॉर्म हो जाते हैं। इट मीन्स दैट द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो भी ये टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। आप कितनी बार भी उसको डिवाइड करें, उसके ये दो पोल्स बनते ही जाएंगे।